ओके चलिए शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन एनसीईआरटी एग्जांपल्स। एग्जांपल करने से पहले एक बार वापस सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूला थे चैप्टर में, बहुत सारे नए नए लॉजिक्स से कंसेप्ट थे। एक बार क्विकली सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास, राइट। सेंटर ऑफ मास का पोजिशन आपको मिलता है आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री अप टू डिवाइड बाई टोटल मास, ठीक है। ये आर वन है, हाँ कुछ और ही दिख रहा है, आर वन, ठीक है। दिस कैन बी टेकन एज टोटल मास। टोटल मास ऊपर ले लेंगे, सो एम इंटू आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन। ये पहला फॉर्मूला था, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया था, एम इंटू डी आर बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाता है, वी वन एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री एंड सो ऑन। और इस डी आर बाई डी टी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज एम इंटू बी सी एन दैट वॉज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू, क्या हुआ इसको, रुको थोड़ा खोट हुआ इसमें। चल चालू हो, है ना, ऐसा होता है कभी कभी, एम टू वी टू एंड सो ऑन। तो ये पहला फॉर्मूला था बेटा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, राइट। व्हाट यू मीन बाय एम इंटू वी, मोमेंटम। सो टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम हमें दिया था मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, ये दूसरा फॉर्मूला था। फिर तीसरा फॉर्मूला था आपका, इसको एक बार वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम इंटू ए, यहां पे डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए वन, यहां पे एम टू ए टू वापस डिफ्रेंशिएट किया था, राइट। एम इंटू ए क्या था, फोर्स। सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे, राइट। इसके बाद हम गए थे रोटेशन कराने, ठीक है। तो रोटेशन मोशन में सबसे पहला फॉर्मूला था आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। ओमेगा क्या था, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, कैसा वेक्टर था ओमेगा, एक्सियल। फिर आपका रिलेशन था वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, प्रूव किया था हमने इसको, राइट, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। उसके बाद था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा था डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी। चलो इसके बाद नेक्स्ट टर्म था आपका, ये कौन सा टर्म है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला था लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट थे, टेंजेंशियल एंड रेडियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट था आपका ओमेगा क्रॉस वी, नहीं टेंजेंशियल था आपका अल्फा क्रॉस आर, टेंजेंशियल वॉज अल्फा क्रॉस आर एंड योर रेडियल कंपोनेंट वॉज ओमेगा क्रॉस वी। दो कंपोनेंट थे आपके पास एक्सेलरेशन की, टेंजेंशियल एंड रेडियल। एंड नेट एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो बाय अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस रेडियल स्क्वायर करके। ये सब आपने थियरी लिखी है प्रॉपरली, अभी हम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, और टॉर्क का वैल्यू होता है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। क्या था बेटा एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम वॉज आर क्रॉस पी, दैट्स द एंगुलर मोमेंटम एल, दैट्स द टॉर्क आर क्रॉस एफ।
राइट, फिर इसको डिफरेंशिएट किया था हमने, तो इसको डिफरेंशिएट करने से कौन सा नंबर का फॉर्मूला आ गया, टेंथ। इसको डिफरेंशिएट करने से हमें फॉर्मूला मिला था टॉर्क का, सो डीएल बाई डीटी क्या आया था, टॉर्क आया था, डीएल बाई डीटी क्या आया था, टॉर्क। ये सेम फॉर्मूला है डीपी बाई डीटी इक्वल टू एफ के जैसा, ठीक है राइट। इससे एकदम आगे बढ़ते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा राइट, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आपका एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन, ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थियरम आए थे, दो थियरम आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक आया था पैरेलल एक्सिस थियरम, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम्स। पैरेलल एक्सिस थियरम आपने क्या सीखा था बेटा, आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, और दूसरा था परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम में हमने सीखा था आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों कैसे होने चाहिए सेम प्लेन में, और ये कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी टू डी लेमिना, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमने फॉर्मूला किया था काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी होता है आई के इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, क्या था काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट। और हम वहां पे आई को क्या लिखते हैं, हमने यहां पे आई लिखा ना, वहां पे हम लिखेंगे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, आई इज एम के स्क्वायर विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लाए थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बाद हम फॉर्मूला लेके आए थे इसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव किया था टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, क्या डिराइव किया था हमने, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये सेम फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए वाला। फिर हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये सेम फॉर्मूला है पी इक्वल टू एम इंटू वी का, लीनियर मोशन में होता है ना पी इक्वल टू एम वी, तो यहां पे होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू एम ए, तो यहां पे एल इक्वल टू आई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। इतना होने के बाद नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला लाए थे हम, अब लगभग सारे फॉर्मूला आ गए। हाँ एक और, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, कौन सा लॉ है ये, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या है बेटा ये, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और लास्ट में आ गया था हमारा रोलिंग मोशन, लास्ट में क्या आया था बेटा, रोलिंग मोशन राइट। कंडीशन क्या था रोलिंग का, कंडीशन याद करो रोलिंग का, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, दैट्स द कंडीशन ऑफ रोलिंग। रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या थी बेटा, दो टर्म थे उसमें, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ क्या था यहां पे, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में आया आपका रोलिंग ऑन इंक्लाइन, लास्ट में आया आपका रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, आपको खाली वेलोसिटी चाहिए, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और कंडीशन क्या है इसका, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो इतने फॉर्मूला में पूरा चैप्टर है, काइनेमेटिक्स के तीन फॉर्मूला रह गए, मेरी बात भी सही है, और दो एक और फॉर्मूला रह गया है पावर का, वर्क डन का, वो भी करेंगे, चलो कोई नहीं। नंबर 20, वर्क डन, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, ये सेम फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी वाला जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है रोटेशन में, क्या होता है टॉर्क इंटू थीटा, ये डिराइव किया था हमने कल के क्लास में राइट। और पावर, पावर
पावर पी लाए थे हम टॉर्क इनटू ओमेगा, ये सेम फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू पावर इक्वल टू एफ इनटू वी। एफ इनटू वी में जो फॉर्मूला आता है वही फॉर्मूला यहां होता है टॉर्क टी इनटू ओमेगा। लास्ट जो अंशुमन ने कहा तीन फॉर्मूला काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के तीन फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन तीन फॉर्मूला बनेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा फॉर्मूला टू अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। ये तीन है काइनेमेटिक के इक्वेशन, अल्फा हाँ राइट, तो ये तीन है आपके काइनेमेटिक के इक्वेशन। तो इतने फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, कितने 25 ऑलमोस्ट, कितने थे आगे 21 थे ना आगे, ये सारे तीनों फॉर्मूला एक ही नंबर पे 22 पे यह फॉर्मूला। चलो तो पहले एक बार आप फॉर्मूला लिखिए उसके बाद एग्जांपल शुरू करते हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में से। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में आपको कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन है बेटा आपका सेंटर ऑफ मास का, ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो आप क्या करेंगे, पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे ऐसे, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके वर्टाइसेस के ऊपर तीन मास है, कितने कितने मास है बेटा 100, 150 एंड 200। लेट्स से यहां पे 100 ग्राम है, यहां पे 200 ग्राम है और यहां पे 150 ग्राम। बेटा आप देखो यहां पे ना आपको स्पेसिफाई करके नहीं दिया है कि कौन से वर्टेक्स के ऊपर कौन सा मास रखा है, तो आपको आप अपने हिसाब से यहां से 100, यहां पे 200, यहां पे 200, यहां पे 150 भी रख सकते हो, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सा मास कौन से वर्टेक्स के ऊपर है। तीन मास है ऐसा कहा, एक 100 है, एक 200 है और एक 150 है, राइट। चलिए ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 0.5 मीटर, तो ये हर एक साइड कितना है बेटा 0.5 मीटर। हमें फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो तीन मास दिए बेटा, विल राइट हियर मास एट ए, कितना लिया ए पे 100 ग्राम। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। मास एट बी, कितना मास है बेटा बी पे, चलो बी पे मास है 200 ग्राम, बी का पोजीशन वेक्टर भी हम फाइंड करेंगे, राइट। एंड मास एट सी कितना ग्राम है 150 ग्राम, उसका भी हम फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर। चलो अब ये मास तो कहां पर है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 0 0, ओरिजिन पे है ना तो 0 0 मीटर। ओके ये वाला कहां पर है, सी वाला एक्स एक्सिस पे है, कितने डिस्टेंस पे 0.5 है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो बेटा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा 0.5 एंड 0, आता है ना इतना, तो एक्स एक्सिस 0.5 वाई कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो बेटा ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो इसके दो कोऑर्डिनेट पड़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या पड़ेगा 0.5 का cos 16 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या पड़ेगा 0.5 का sin 16, क्योंकि ये हो गया आपका हाइपोटेनस, राइट। आप ट्राइंगल बना सकते हो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो एडजेसेंट है तो cos 60 और यहां होगा वाई कोऑर्डिनेट जो अपोजिट है तो sin 60, तो इसके जो दो कोऑर्डिनेट पड़ेंगे बेटा ये क्या पड़ेंगे आपका, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 cos 60 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 sin 60। यू गेट दिस, यू गेट दिस, ठीक है ना। ये 0 0, ये एक्स एक्सिस पे 0.50, इसके दो कोऑर्डिनेट पड़ेंगे दैट इज 0.5 cos 60 इज एक्स कोऑर्डिनेट, 0.5 sin 60 इज वाई कोऑर्डिनेट। cos 60 कितना होता है बेटा 1/2 एंड sin 60 कितना होता है बेटा √3/2। सो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0.25, ये कितना आएगा 0.25 इंटू √3, 0.25 इंटू 0.43। चलो बेटा अब आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, आपके पास तीनों मास है, तीनों कोऑर्डिनेट्स है, व्हाट यू वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो बी राइट हियर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला बेटा सेंटर ऑफ मास के पोजिशन का? आर सी एम इक्वल टू एम ए आर ए, हमने ए बी सी नाम दिया है, एम बी आर बी एम सी आर सी डिवाइड बाई टोटल मास है ये फॉर्मूला। लिस्ट में पहला ही फॉर्मूला था ये। चलो एम ए इज 100, आर ए इज 00, एम बी इज 200, इट इज 0.25, 0.43, एम सी इज 150, आर सी इज 0.50। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम के लिए, 3 मार्क का इसी क्वेश्चन एकदम राइट। तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल के फॉर्मूला लगाना है सेंटर ऑफ मास का, हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल मास। बेटा टोटल मास में क्या क्या है, 100 प्लस 200 प्लस 150। चलो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा ध्यान देना, आप यहां से भी आप गलत कर सकते हो इसको, ये 0 0 ही हो जाएगा, 100 इंटू 0, 100 इंटू 0, 200 इंटू 0.25 50, 200 इंटू 0.43 86, 150 इंटू 0.5 75, 150 इंटू 0 इज 0 डिवाइड बाई 450। चलो सारे x कोऑर्डिनेट प्लस करो बेटा, 0 प्लस 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा 125, 0 प्लस 86 प्लस 0 कितना हो जाएगा 86 डिवाइड बाई 450 डिवाइड बाई, दोनों के नीचे क्या लगा देंगे बेटा 450। चलो x कोऑर्डिनेट बताओ 0.27 एंड y कोऑर्डिनेट 0.19 मीटर। तो ये होगा बेटा आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आया क्वेश्चन समझ में, क्या करना है? इजी क्वेश्चन, एम ए आर ए एम बी आर बी एन सी आर सी डिवाइड बाई टोटल मास। ये ओरिजिन है 0 0, ये एक्स एक्सिस पे 0.50 और इसके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 cos 60, वाई कोऑर्डिनेट 0.5 sin 60, और फिर आपको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में जाके वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। क्लियर पहला क्वेश्चन सबको? श्योर एकदम। चलिए अगला सवाल सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लेके आएंगे। 7.3 है, 7.2 क्वाइट थियोरेटिकल क्वेश्चन, इतना काम का नहीं है, स्टिल वी विल सॉल्व इट। चलो क्या हुआ, ओहो आ गया, ऐसा कैसा कटाई है? नहीं ऐसे थोड़ी चलता है, मैंने रैंडम कटिंग किया इसलिए ये करना था। चलो बेटा क्या कहा है देखो, तो आपको कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। तो आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट दिया है किसी भी शेप में, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा आपको बताना है। क्या करेंगे देखो सुनो, तो इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली होता है इसके सेंट्रोइड के ऊपर। कहां होता है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास? इज एट द सेंट्रोइड ऑफ, इज एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो इस पॉइंट से इसका मिड पॉइंट जोड़ेंगे राइट, इस पॉइंट से इसका मिड पॉइंट जोड़ेंगे और इस पॉइंट से इसका मिड पॉइंट जोड़ेंगे, तीनों जहां मिले दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। ये दोनों साइड सेम है राइट, मिड पॉइंट है, ये भी सेम मिड पॉइंट, ये भी सेम मिड पॉइंट, करते हो ना ऐसे आप मैथ्स में राइट? आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसके बाद वाला, ओहो मस्त क्वेश्चन है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एल शेप लेमिना। तो मास ऑफ लेमिना इज 3 kg, ये वाले लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो बेटा इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास दिस लेमिना और इसका मास टोटल आपको दे दिया है 3 kg का राइट, मतलब हर एक टुकड़ा 1-1 kg का होगा, तीन टुकड़े है ना, 1, 2, 3, हर एक टुकड़ा 1-1 kg का होगा है ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है बेटा, तो आप इसको अपने कन्वीनियंस से, आप इसको अपने कन्वीनियंस से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। देखो आप या तो तीनों टुकड़े अलग अलग कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों को साथ में रख के दूसरा टुकड़ा ये गिनो, या फिर इन दोनों को साथ में रख के इसको दूसरा टुकड़ा गिनो। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस क्वेश्चन में लेट्स से हमने इन दोनों को साथ में रखा,
तो बेटा इन दोनों का सेंटर कहां पे होगा? यस और नो? यस और नो? मैं दूसरा टुकड़ा ये रखूंगा अलग से, इसका सेंटर कहां पे होगा? यहां पे। कटिंग इट, आप ये भी कर सकते हो कि इसको एक रखो, इसको दूसरा रखो ऊपर वाले, दैट इज ऑल्सो ओके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा स्क्वायर ले लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, वो भी हो सकता है। पूरा स्क्वायर ले लो, पूरे स्क्वायर का सेंटर यहां पे होगा वन वन पे, उसमें से आप ये वाले प्लेट को माइनस करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आंसर सब में आपका सही भी आएगा। सो मैंने क्या करा है, सो डिवाइडिंग रेमिना, इसको नाम दिया ओ एफ ई, यहां पे कुछ नाम दे दो, बी पॉइंट, दो आई टी है, यहां पे नाम दे दो बेटा बी पॉइंट। चलो कहा है, बी ऑलरेडी है तो क्या नहीं है? ओ ए बी सी का है, सी का है, सी यहां ले लो, सी पॉइंट। चलो सो हमने क्या करा बेटा, हमने इस क्वेश्चन में कंसिडर लेमिना इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, लेमिना इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, आपकी चॉइस, आपको जैसे पार्ट करना है, आप तीन टुकड़े भी कर सकते हो बेटा अलग अलग, आप तीनों अलग अलग भी ले सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, चॉइस इज ऑल योर्स। मैंने दो टुकड़े करे बेटा, मेरा पहला पार्ट कौन सा है बेटा? पहला पार्ट ये वाला लिया है मैंने, क्या है ये? ओ सी ई एफ, इसमें कितने टुकड़े है? दो टुकड़े है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? दो केजी, क्योंकि तीन टुकड़े में मास कितना दिया है? थ्री केजी दिया है, तो हर एक टुकड़े का मास कितना होगा? एक एक केजी, तो इसका मास कितना हो जाएगा? टू केजी। बेटा इसका सेंटर कहां पे होगा ये वाले में? चलो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0.5, क्योंकि ये पूरा वन है, ये पूरा कितना है? वन है, देखो ध्यान से, पूरा लेमिना दो मीटर है, तो ये वन है, तो ये वन से भी आधा हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0.5। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? वन। एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1, आता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो इसका बेटा सेंटर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 पे है, वाई कोऑर्डिनेट 1 पे है, समझे आप? चलो दूसरा टुकड़ा आपका ये वाला है, सेकंड पार्ट है मेरा, ये टुकड़ा जहां पे है सी ए बी डी, सी ए बी डी एक ही टुकड़ा है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 1 केजी। इसका सेंटर बेटा, चलो सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ, ये कोऑर्डिनेट ना क्या? 0.5 0.5, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, कितना होगा ये? 1 प्लस 0.5, समझा क्या? नहीं, ये 1 और ये 0.5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इतना होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होगा? 1.5। और वाई कोऑर्डिनेट ये है, कितना है हाइट? ये 0.5, बिकॉज पूरा 1 है, तो ये उसका आता है। चलो तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 1.5 एंड 0.5, समझा यहां तक आप सब लोग? यहां तक क्लियर सबको? राइट, चलो तो यू कैन गेट योर आंसर लाइक सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 व्हाट इज M1? 2। व्हाट इज R1? 0.51। व्हाट इज M2? 1। व्हाट इज R2? 1.5 एंड 0.5 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ध्यान से बेटा, 2 × 0.5 1 2 × 1 2 प्लस 1.5 0.5 डिवाइड बाय 3। चलो 1 प्लस 1.5 2.5 डिवाइड बाय ये 3, 2 प्लस 0.5 2.5 डिवाइड बाय ये 3, योर आंसर इज 0.83 मीटर, दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में सबको? आप अगर ऐसा कर दे ना कि इसको एक टुकड़ा लेते, इसको दूसरा लेते, तो भी आंसर सही नहीं आता, या फिर आप अगर तूने तीनों टुकड़े अलग अलग लेते तो भी आंसर सही आता, तो वहां पे आपको इसके सेंटर का लोकेशन फाइंड करना पड़ता, इसके सेंटर का लोकेशन फाइंड करना पड़ता, इसके सेंटर का लोकेशन फाइंड करना पड़ता, राइट? अब पूरा लेके इसको उड़ा भी सकते थे उसमें से, तो पूरा मतलब M1R1, उसमें से इसको उड़ाना है तो माइनस होगा M2R2। देखो मैं आपको बताता हूं वो करके भी, ठीक है? I'll tell you how to do it. अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पूरे में से मैंने पूरा ले लिया चार टुकड़े, उसमें से मैं माइनस करूंगा ये ऊपर वाले कोने को,
अंडरस्टूड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पूरे में से इसको माइनस करूंगा मैं। पूरे का मास कितना होगा? 4 kg, क्योंकि 4 टुकड़े हो गए ना। पूरे का सेंटर ये है, कितना है? 1 1 है क्या ना? चलो ये 1 टुकड़े का मास क्या होगा? 1 kg। उसका सेंटर बेटा यहां पर होगा, कितना होगा ये कोऑर्डिनेट? ये 1 + 0.25 नहीं 0.5, 1.5, ये भी 1.5। तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1.5। तो आपका यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या आता बेटा? M1R1 माइनस, क्योंकि आप काट रहे हो, समझ आई बात आपको? M1 4 × 1 1 माइनस 1 × 1.5 1.5 डिवाइड बाई 4 − 1। चल बेटा 4 − 1.5 1.5 डिवाइड बाई 3 4 − 1.5 2.5 बाई 3 4 − 1.5 2.5 बाई 3 अगेन सेम आंसर 0.83 मीटर। गॉट इट? तो आप जैसे चाहो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चॉइस इज ऑल योर्स। आप 3 टुकड़े अलग अलग लेते तो भी आपका आंसर सेम ही बनता। आए मेथड समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपको कब पूछा जाते हैं पता है? आपको ऐसा पूछा जाता है कि पूरा डिस्क है और इस डिस्क में से सपोज इतना टुकड़ा काट दिया, बताओ बाकी बचे पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे डिस्क में से इतने टुकड़े को उड़ाएंगे, मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पूरे डिस्क का सेंटर ओरिजिन पे होगा, 0 0 पे। इसका सेंटर कहां पे हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रेडियस आर बाई टू। पूरा क्या होता है? रेडियस आर। और ये क्या हो जाएगा? 0। ये आपके एक्सिस है, इसका सेंटर क्या होगा? आर बाई टू। कि पूरा क्या होगा? रेडियस। तो ये क्या है? आर बाई टू। वाई कोऑर्डिनेट 0। पूरे डिस्क का मास कितना है? एम है पूरे का। तो इसका मास क्या होगा? अब ये मैंने डिस्क बोला है, डिस्क मतलब 2D फिगर। 2D फिगर में मास किस पर डिपेंड करता है? एरिया पे। 2D डायमेंशन में, 2D डायमेंशन में मास किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पे। तो इसका रेडियस कितना है? आर बाई टू ही है खाली ये वाले का। अगर रेडियस इसका आर बाई टू है तो इसका एरिया क्या होगा? ए बाई फोर। क्योंकि रेडियस क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर बाई टू का स्क्वायर करो, आर बाई टू का स्क्वायर करो, आर स्क्वायर बाई फोर। मतलब इतने पार्ट का एरिया क्या होगा? ए बाई फोर। मतलब इतने पार्ट का मास क्या होगा? एम बाई फोर। अगर यही स्फीयर होगा ना, अगर स्फीयर ये डिस्क है, अगर ये स्फीयर होगा ना, तो स्फीयर 3D फिगर है। 3D फिगर में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम क्या होता है? आर क्यूब। तो आर बाई टू का क्यूब क्या हो जाता? टू का क्यूब 8। तो स्फीयर होता ना, तो ये मास कितना होता है? m/8 होता। इसका आंसर क्या बनता बेटा? इसका आपका आंसर बन जाता आर सी एम इक्वल टू एम वन, मतलब पूरा डिस्क। आर वन उसका 0 0 पे है, पूरे डिस्क का सेंटर कहां पर है? 0 0 पे। उसमें से एम टू कितना मास है? ये m/4। उसका सेंटर कहां पर है? आर बाई टू 0 डिवाइड बाई एम माइनस एम बाई फोर। यू विल गेट योर आंसर। समझे? पूरे डिस्क में से उसको उड़ा दिया है। अगर यही स्पीयर होता, स्पीयर में यहां क्या आता? एम बाई एट आता, क्योंकि स्पीयर 3D फिगर है, राइट? तो 3D फिगर में मास किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। 2D फिगर में, 2D में मास किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा मास। 3D फिगर में मास किस पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पे। सो अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बेटा अगला सवाल करेंगे, एनसीईआरटी पे वापस आते हैं, मुद्दे से ना भटक के। चलो चल चल चल, खुल जा फटाफट। सब तुमने पढ़ लिया, बोलो। कहाँ है अगला सवाल? आजा, पेज नंबर 152। आना तो धीरे धीरे आएगा ये। जा कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, जा 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 आना भाई। अब्बास अब बहुत हुआ, आ जाएगा। गया
गया क्या? एक्चुअली ऐसे फिगर्स बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इतना टाइम लगता है लोड होने में। ये रहा चलो क्वेश्चन 7.4, काटेंगे इसको आगे ले जाएंगे। क्या करना है? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ओ वाओ, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट में क्या करते हैं बेटा? एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई। कैसे लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को? ए डॉट बी। ए वेक्टर क्या है? 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। बेटा डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे? एक्स के साथ एक्स 3 × -2 प्लस वाई के साथ वाई -4 × 1। कुछ नहीं मतलब क्या होगा? यहां 1 होगा। जेड के साथ जेड 5 × यहां क्या है? -3। एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, जेड के साथ जेड, फिर जोड़ देना है -6 -4 -15। तो ये आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट। चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट से, ए क्रॉस बी, पता है ना कैसे लिखते हैं? आई जे के। पहला वेक्टर क्या है बेटा? 3 - 4 - 5। दूसरा वेक्टर क्या है? -2 - 1 - 3। चलो पहले आई वाले को छोड़ दो, 12 - 5, 12 - 5, फिर बीच वाला माइनस जे, इसको छोड़ दो। चलो जे वाले को छोड़ दो, -9 - -10। ओ बाप रे, इसको छोड़ दो, -9 - -10 -9 - -10 प्लस के कैप। चलो के कैप इसको छोड़ दो बेटा, 3 - 8 4 × 2 इसको छोड़ दो, 3 - 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8। 3, तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया? 12 - 5 - 7i, 10 - 9 - 1, 10 - 9 - 1 मतलब -j, 3 - 8 - 5k। तो दैट्स द आंसर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, हाँ, क्योंकि सबको नहीं आता है डॉट एंड क्रॉस करना। कुछ आता है पक्का? चलो पहले आई को छोड़ देना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे जे को छोड़ देना है, जे वाला नेगेटिव साइन के साथ आएगा राइट, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे के को छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे आई जे के। समझे? नेक्स्ट। बहुत दूर है क्या इस पेज से? है ये 153 है, कीबोर्ड ही नहीं आएगा वहां से, इसमें इतना सारा फिगर्स है ना इसलिए लोड बहुत लेता है। ये पेज जाता है ना यहां से? वाओ, इसमें है, आ गया। टाइम तो इतना ही लगना है उसको लोड होने में, तो आ गया, आ गया, आ गया। चलो बेटा अगला सवाल। गोली बेटा मस्ती राय। चलो देखो, दुनिया ना तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में से तारक मेहता ही रिप्लेस हो गया, तो भी शो चल रहा है। पहले ऐसा था कि तारक मेहता दया भाभी की वजह से चल रहा है, दया भाभी को जाए हुए 4 साल ऊपर हो गए, अभी भी चल ही रहा है। अभी ऐसा है कि जेठालाल से शो चल रहा है, जेठालाल के जाने के बाद भी शो चलता ही रहेगा, कोई किसी के बिना रुकता नहीं है। तुम कितने भी अच्छे हो फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, तुम हमेशा रिप्लेस हो सकते हो, तुम कितने भी अच्छे हो राइट। तो कभी खुद पे घमंड मत करना, कह रहे मैं हूं। एक बात याद रखना, अहम ये नहीं है वहम पाल रखा है, अहम ने ये वहम पाल रखा है कि मैंने सारा कारवा संभाल रखा है। तो अगला सवाल चलो
बात समझे, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हूं तो सब है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा अहम का वहम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। चल अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द टॉर्क, ए फाइंड द टॉर्क, राजू फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, टॉर्क ऑफ द फोर्स, बस है फोर्स दिया बेटा, कितना है फोर्स, 7i + 3j - 5k, अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज आई जे के, पोजीशन वेक्टर मतलब आर, राइट, कितना है पोजीशन वेक्टर, i - j + k, फोर्स कहां लग रहा है, ओरिजिन पे लग रहा है, कहां लग रहा है, फोर्स इज ऑन ओरिजिन। चलो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है आपका R - RO × F, आरओ क्या है, जहां पे आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, ओरिजिन पे, मैंने आपको टॉर्क के थियरी में क्वेश्चन करवाया है, जहां पे टॉर्क किसी और पॉइंट पे लग रहा था फोर्स, राइट, तो टॉर्क होता है R - RO × F, यहां पे आपका आरओ क्या है, 000, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, ओरिजिन पे, तो बचेगा खाली क्या, R × F, ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, नहीं वेक्टर ही फाइंड करना है ना टॉर्क का, चलो आर क्रॉस एफ करेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई जे के, आर में क्या है 1 - 1 - 1, 1 - 1 - 1, एफ में 7 - 3 - 5, चलो आई को दख दो, 5 - 3 - j, जे को दख दो -5 - 7, के को कवर करो 3 - -7, 3 - चलो इट इज 2y - - +12j, 7 + 3 - 10k, दैट्स द आंसर ऑफ टॉर्क। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो बाई अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट्स, 2² + 12² + 10² अंडरस्टूड। तो जनरल फॉर्मूला बेटा याद रखना हमेशा, टॉर्क इज R - RO × F, आरओ कौन सा पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स ओरिजिन पे है तो आरओ 000, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, चलो थियरी क्वेश्चन है ये, ओके क्या करना था हमें, क्रॉप करना था ना इसको, ये बेकार क्वेश्चन है, चलो बेटा क्या करना है आपको, देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो ऐसे बीच बीच में कुछ थियरी क्वेश्चन भी डाल दिया इन्होंने, शो दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, लेट्स से ये पार्टिकल है इस तरफ जा रहा है, जिसका वेलोसिटी वी है, उसका मास एम है, राइट, और मुझे इस पार्टिकल का चाहिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से ओ, राइट, सपोज मान लो आपका पार्टिकल अभी यहां पर है, तो आपका पोजिशन वैक्टर ये हो जाएगा आर, राइट, और ये क्या कंपोनेंट हो जाएगा आपका आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपका, पोजीशन वेक्टर ये है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है आपका, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो इधर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा, सामने बना, अपोजिट क्या होता है ये, आर साइन थीटा, चलो मैंने क्या करा, पार्टिकल लिया, यहाँ पे एक ओरिजिन ले लिया, सपोज पार्टिकल अभी यहाँ पर है, मूव कर रहा है वो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, टर्न नहीं मार रहा है ना, स्पीड चेंज हो रहा है, अभी उसका पोजीशन वेक्टर ये है, लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। सो बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आर क्रॉस पी,
रिमेंबर दिस, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, अगर खाली बेटा मैग्नीट्यूड चाहिए तो आर पी साइन थीटा, कैन आई राइट लाइक दिस, आर साइन थीटा इंटू पी, आर साइन थीटा को साथ में ले लो, आर साइन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड पी क्या है मोमेंटम, यू कैन राइट लाइक दिस दैट एल इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, मोमेंटम क्या होगा एम इंटू वी, अब यहां पे वी कैसा है कॉन्स्टेंट है आपको दे दिया है क्वेश्चन में, वेलोसिटी कैसा है कॉन्स्टेंट, मास भी कैसा होगा कॉन्स्टेंट, एंड टेल मी क्या ये आर परपेंडिकुलर चेंज होगा, नो, क्योंकि पार्टिकल कितना भी दूर चला जाए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहना है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, सपोज पोजिशन वैक्टर इधर है यहां पर ऐसे ऐसे है, तो भले पोजिशन वैक्टर ये हो तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज होना नहीं है, आई बात यहां पे क्या लिखा है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा, यू कैन टेक आर साइन थीटा इनटू पी, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो चेंज होना नहीं है जब तक पार्टिकल टर्न नहीं करता तब तक, अगर पार्टिकल टर्न कर लेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट यहां पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, पार्टिकल टर्न नहीं कर रहा है, understood, this is constant, hence you can write here angular momentum L of the particle is constant, but direction क्या होगा बोलो, direction is r cross p, right, r अभी ऐसे है, r ऐसे है आपका और p इस तरफ है, r ऐसे है, right, and I'm using r ऐसे है, p इस तरफ है, कॉल हुआ हुआ ना, So, L आपका अंदर की तरफ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, R क्रॉस P, P इस तरफ है, हो रहा है कल, तो L कहां पर है अंदर की तरफ है और वो भी डायरेक्शन भी चेंज होने नहीं है, डायरेक्शन चेंज होने नहीं है बेटा, मेहरून R कैसे है बेटा, कैसे R, कैसे R, ऐसे, P कैसे है, P P ऐसे, तो अंगूठा कहां गया अंदर की तरफ, R क्रॉस P, R क्रॉस P, चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बहुत सारे, वन इससे कितने पेज के बाद है, इस पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यहां पे है, चलो अगेन थियरी क्वेश्चन बेटा, इसके एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चलो बेटा अगेन थियरी क्वेश्चन, प्लीज अटेंशन एवरीवन, एंड द क्वेश्चन इज क्रॉपिंग करेंगे, शो दैट मोमेंट, मोमेंट ऑफ ए कपल, मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच टू टेक द मोमेंट, लिसन प्लीज अटेंशन एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कपल इज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट पासिंग फ्रॉम सेम लाइन, नॉट पासिंग फ्रॉम सेम लाइन, बेटा प्लीज ध्यान यहां पे, नॉट पासिंग फ्रॉम द सेम लाइन, राइट, तो लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, एक फोर्स यहां लग रहा है इस तरफ एफ और दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है इसको पैरेलल माइनस एफ, अपोजिट है ना माइनस एफ, ये हो गया कपल, राइट, एंड सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस कपल अबाउट दिस पॉइंट ओ, तो ओ पॉइंट से सपोज इसका वेक्टर हो गया आर वन और ओ पॉइंट से इसका वेक्टर हो गया सपोज आर टू, राइट, क्या फाइंड करना है हमें, कपल फाइंड करना है, तो कपल का फॉर्मूला क्या है, कपल मोमेंट इज इक्वल टू, कपल का मोमेंट होता है, कपल मोमेंट इज इक्वल टू, जाने यहां पे
मस्ती नहीं बोली बेटा। कपल का मोमेंट होता है, वैल्यू ऑफ फोर्स, अटेंशन एवरीवन, वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, राइट। सो फोर्स का वैल्यू चाहिए जो कितना है, एफ है, और हमें दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सपोज आपका ये एक फोर्स का लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच का, कलर अलग करते हैं बेटा। ये एक लाइन है फोर्स का, ये दूसरा लाइन है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आर परपेंडिकुलर, राइट। सो दैट इज एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं है, ये पॉइंट का रोल क्या है, वो का यू फाइंड द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ये वो पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, फोर्स तो वही रहना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वो रहना है, ना फोर्स चेंज होना है ना ये डिस्टेंस चेंज होना है, तुम वो पॉइंट कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए कपल का मोमेंट पॉइंट पर डिपेंड करता नहीं है, तुम किसी भी पॉइंट पे उसका मोमेंट निकालोगे, मोमेंट विल बी सेम। ओके, लेट्स रीड दिस इन द टेक्स्ट बुक। सी, टू पॉइंट्स ए बी, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, पोजीशन वेक्टर आर वन आर टू। मोमेंट ऑफ अ कपल आप अलग तरीके से लिया, सम ऑफ द मोमेंट कोई नहीं, हम भी ऐसे लिख देंगे इसको, आर वन क्रॉस माइनस एफ, आर टू क्रॉस एफ, एफ बाहर निकाल लिया, आर टू माइनस आर वन क्रॉस एफ, आर टू माइनस आर वन इज अ वैक्टर ए बी, ठीक है, चलो हम भी ऐसे लिख देंगे। बाकी हमने जो थियोरटिकली समझा वो भी सही है, अभी इन्होंने थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिया, तो वी विल ऑल्सो राइट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, लिखते हैं चलो मैथमेटिकल फॉर्म में, बेटा जा रहे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है, ना फोर्स चेंज होना है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होना है, इन्होंने अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, ऑफ इज टू इक्वल एंड अपो इक्वल एंड अपोजिट। बेटा समझो, चलो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, प्लीज इधर वाले फोर्स को इन्होंने प्लस एफ लिया है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा अपने आप माइनस एफ। सपोज आपका ओ पॉइंट यहां पर है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका ओ पॉइंट यहां पर है, लेट्स कॉल इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, चलो ये पोजीशन वेक्टर ले लो बेटा आर वन, और ये पोजीशन वेक्टर आप ले लेंगे आर टू, ठीक है, ध्यान देना सब लोग। सो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों फोर्स का टोटल टॉर्क फाइंड करना है अबाउट पॉइंट ओ। सो वी राइट हियर टोटल टॉर्क ऑफ कपल, टोटल टॉर्क ऑफ कपल अबाउट पॉइंट ओ। तो बेटा टोटल टॉर्क में क्या आ जाएगा, टोटल टॉर्क में आएगा टॉर्क ऑफ ए प्लस टॉर्क ऑफ बी, इसका भी टॉर्क लगेगा, इसका भी टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो यहां पे क्या होगा आर वन क्रॉस माइनस एफ, यहां पे क्या होगा आर टू क्रॉस एफ, तो यहां पे होगा बेटा आपका आर वन क्रॉस माइनस एफ, और यहां पे हो जाएगा आपका आर टू क्रॉस एफ। दोनों में से बेटा आपने क्या कॉमन निकाल लेंगे, एफ, यहां भी क्रॉस एफ, क्रॉस एफ बाहर निकाल लो, इधर क्या बचेगा आपका माइनस आर वन प्लस आर टू, दैट इज योर आर टू माइनस आर वन क्रॉस एफ, अंडरस्टूड, व्हाट इज आर टू माइनस आर वन, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, फाइनल कहां पर है टू पे, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इज आर टू। सुनो ये वेक्टर जो है ना, दिस व्हाट वेक्टर इज दिस, आर टू माइनस आर वन, बिकॉज ये खत्म कहां पे हो रहा है, आर टू पे, शुरू कहां से हो रहा है, आर वन से, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका फाइनल आर टू माइनस इनिशियल आर वन। तो ये जो वेक्टर है ना आर टू माइनस आर वन, ये एक्चुअली कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये, ए बी क्रॉस एफ। अब ए बी वाला वेक्टर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तुम पॉइंट हो कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, ये भी थोड़ी चेंज होगा, क्या ए बी चेंज होगा, नहीं ना, ए बी तो पॉइंट फिक्स है आपके, ए बी वाला वेक्टर तो चेंज होना रही है, तुम अगर पॉइंट यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, डजंट मैटर,
आर वन माइनस आर टू हर बार यही आने वाला है, ये भी वेक्टर, मतलब ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कैसा हो गया है, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ आप कहीं भी ले सकते हो, टॉर्क विल बी सेम। आई बात समझ में, इसका टॉर्क आर वन क्रॉस माइनस एफ, इसका टॉर्क आर टू क्रॉस एफ, एफ दोनों में से बाहर, आर टू माइनस आर वन बचा, आर टू माइनस आर वन कौन सा वैक्टर है, ए बी, ए बी वैक्टर तो कॉन्स्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क कैसा हो गया, कांस्टेंट, तो डिपेंड करता नहीं है। चलो अगला सवाल, क्या टाइम हो गया है, अभी तो बहुत टाइम है। चलो अगला सवाल, किस पेज पे है, इसके अगले वाले, इस पे है, वेयर इज इट, ओके चलो, अब ये जो क्वेश्चन है वो आज नहीं करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन सारे हम कल करेंगे, जहां पे हमें मोमेंट को बैलेंस करना है। ऐसा एक रॉड दिया होगा, उस रॉड पे एक तरफ कुछ मास होंगे, दूसरी तरफ कुछ मास होंगे, और उसको बैलेंस करना होगा आपको, राइट right? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल के क्लास में सॉल्व करने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।